बीजेपी लेती है तो चंदा और विपक्ष ले तो ईडी और सीबीआई घेरे, बदायूं में बोले शिवपाल सिंह यादव। बदायूं से सपा गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव के साथ सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव आज बैसोली में आयोजित सपा सम्मेलन में पहुंचे और अपने समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे लोगों की पार्टी है, अगर बीजेपी किसी से पैसा ले तो वो चंदा होता है और अगर विपक्ष ले तो उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी जाती है। देखिए अब चुनाव है, रणभेरी बच चुकी है, अब हम लोग भी रोज कर रहे हैं, उनने तो अब शुरू करेंगे, हम तो कर रहे हैं 3 महीने से पहले चुनाव में, कितनी मीटिंग कर चुके हैं हम, यहाँ पर मीटिंग कर चुके होंगे कम से कम 100 से ज़्यादा मीटिंग कर चुके हैं। आज हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, लगातार कल है बदायूं में, फिर है सैसवान में, फिर है गुन्नौर में, फिर है बिलसी में, तो ये हमारे सभी सम्मेलन हैं। अब वो प्रधानमंत्री हैं तो आप लोग वही सवाल पूछने लगे। सर एक सवाल और था आपसे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्टेटमेंट आया है अभी, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाया है देश भर, और लड़ने की बात करते हैं भाजपा से, भाजपा से। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाई, पूर्वांचल में कहीं भी नहीं कर पाई है, हमारे तो तब भी कर चुके हैं। ये रणनीति होती है, हम अपनी रणनीति के अनुसार प्रत्याशी भी देंगे और सभी सीटों पर प्रत्याशी देंगे इंडिया गठबंधन, और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। एक आप बड़े लीडर हैं, एक सवाल देश से संबंधित था, बिहार से संबंधित। बिहार में कांग्रेस का अलायंस हुआ अन्य पार्टियों से, पूर्णिया सीट से जो दावेदारी कर रहे थे पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि पूर्णिया से उनके परिवार खस्ता रहेगा, जो विलय कर चुके हैं पप्पू यादव जी, क्या कहेंगे आप उसको? आप देखिए वो तो वहाँ की स्थिति मुझे क्या पता, आप बड़े लीडर हैं इसलिए मेरा सवाल, मुझे वहाँ की स्थिति पता नहीं। आदित्य को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि जो है नामांकन आप करेंगे या जो है आदित्य जी करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। अब देखिए इस पे तो हम आपसे यही कहेंगे, आप बहुत घूमते फिरते हो, जो आप सुझाव दे देंगे घूम फिर के वही हम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है, कल आपका बयान भी आया था, संगठन मुझे चुनाव लड़ाएंगे। देखिए जितने भी हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिला है उनमें से कुछ लोग हैं, जरूर हमें सपोर्ट करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे लिए वोट भी मांगे। स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने ये कहा है कि हमारी कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव इससे भी हमारी बात हो रही है, तो क्योंकि आप करीबी हैं अखिलेश जी के, बैठते हैं बगल में, राज्य को समझते भी, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में आना चाहिए? चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि वो मीडिया से चुनाव लड़े, कोई सिंबल ना हो और उनको समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। देखिए वो बड़े नेता हैं और शुरुआत उनकी लोकदल से है, ये भी मुझे पता है, अब थोड़ा सा जो निर्णय लिया है उन्होंने अभी बीच बीच में, अब क्या कहें उसको, जो बीच बीच में निर्णय नहीं लेना चाहिए था वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने तो कहा कि मैं तो सबसे बात करता हूँ और करूँगा, अब ये रणनीति का हिस्सा है और आगे इसे बता नहीं सकता। कल एक स्टेटमेंट जी आपका रहा था, ये लोग कह रहे नहीं, हंसी मजाक में शिवपाल जी ने कह दिया कि संगमित्रा मौर्य जी शिवपाल जी का चुनाव लड़ाएंगे। देखिए हमें उम्मीद तो यही है, ये जितने टिकट कटे हैं यहाँ वो सब समाजवादी पार्टी को और हमको सपोर्ट, क्योंकि बड़ा दिल दिखाते हुए धर्मेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था पहले जब 10,000 वोट से इनकी बीमारी दिखाई गई थी, बीमारी कर ली, और फिर जैसे ही उनके पिता पार्टी में शामिल होते, हालांकि वो बीजेपी की सांसद रहीं और अभी भी बीजेपी में ही, एक मिनट सर, तो बगैर कहे इन्होंने जो है वो कोर्ट से मुकदमे को वापस ले लिया, तो क्या देखते हैं क्या वो? देखिए बहुत भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, झूठी पार्टी है, सबको धोखा देती है,
सर अच्छा जी एक सवाल आखिरी आपसे और करना था, कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस दिया है आईटी ने, चुनाव के समय नोटिस दिया है, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे से लेकर एक है, क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है जिस तरीके से ईडी सीबीआई आईटी इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाजपा विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और विपक्ष पे कभी ईडी सीबीआई इन लोगों का कभी उपयोग नहीं हुआ। अगर देखिए आपने देखे ही होगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर के जो इनकी पोल खोली है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये चंद ले लें तो इनके लिए तो चंदा है और अगर विपक्ष ले लें तो इनकी ईडी और सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी बहुत बेईमान पार्टी है, झूठी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है।